Allah, the most gracious and the most merciful. Honorable Chief Guest, Director Sir Asif, distinguished guest, worthy teachers and my dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in this event and thank you so much you have joined us and granting time from your busy schedule. As you know that our annual sports day being held every year, co-curricular activities are an essential ingredient of the overall education process. As they say, sound body possess sound minds. I am happy and proud on what my students have achieved both in studies and in sports. Sports keeps you healthy and fit. I congratulate those who have won and to those who could not make in this time. I hope you will do better next time. I also want to congratulate the faculty members because without your support and hard work, it would not be possible to conduct such an amazing function. Thank you so much. I wish you all the best and I hope we will continue this tradition of celebration annual sports day inshallah ta'ala. Last but not the least, I would like to thank my all worthy teachers, Ma'am Saba, Ma'am Sundas, Ma'am Tahira, Ma'am Shazia, Ma'am Amreen, Sir Umar, Sir Hasnain, Sir Zubair, all of my teachers, please give them a huge round of applause, please. And thank you, ma'am, to join us and granting time from your busy schedule. Thank you, ma'am Zahida. Ma'am, your presence is a source of encouragement for our students. Please give a huge round of applause for our worthy chief guest. Dear parents, you know that today we are also celebrate Qaid-e-Azam Day. Due to the efforts of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, we are enjoying the blessings of freedom and we are living our life happily. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah ne 14 August 1947 ke jalse mein khitab karte hue kaha tha ke mere do rehnuma usool hain. और वो दो रहनुमा उसूल इंसाफ और मसावात है जिन पर अमल पैरा होकर हम अजीम कौम बन सकते हैं. आज हमें अपने एहतसाब का दिन है. हमें चाहिए कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात और बेमिसाल तालीमात पर अमल पैरा होकर आगे बढ़े, अपने बच्चों को वतन से मोहब्बत करना सिखाएं, उनके अंदर जुस्तजू, लगन, मेहनत, वतन से मोहब्बत का पैगाम दी जिस तरह हम अपने वालदैन से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह हमें अपने वतन से भी मोहब्बत करनी चाहिए. बहुत खूबसूरत शेर अगर आप ने को याद हो तो 23 मार्च 1940 के जलसे में जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सदारत कर रहे थे, उनके पीछे एक बैनर लगा हुआ था जिसमें एक शेर लिखा हुआ था कि जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे इधर निकले. तो मेरे बच्चों, मैं चाहती हूं कि आप सब खुर्शीद की मानें जिए. आप जिसका सूरज चमक रहा है, मेरे बच्चे भी वैसे ही चमके, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बने. इस वक्त हमें जरूरत है कि हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात और उनकी बेलौस कुर्बानियां, मेहनत, उनके सबक हम टीचर्स और पेरेंट्स बच्चों को बताएं
और इस वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाए। और इंशाल्लाह मुझे अपने एंग्लो के बच्चों से तो बहुत उम्मीद है कि हम वतन को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। मेरा भी एक बच्चा माशाल्लाह सजील अली एमटी कैट में फर्स्ट पोजीशन इन इस्लामाबाद, ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 फर्स्ट पोजीशन इन इस्लामाबाद। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरा इतना प्यारा बच्चा, अल्लाह ताला मेरे सारे बच्चों को बहुत कामयाबियाँ दे। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि जिस तरह हम अपने मदर से, अपने वालदेन से मोहब्बत करते हैं, हम अपने वतन से भी उसी तरह मोहब्बत करें। एक बहुत खूबसूरत शेर है, उसमें मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। बहुत खूबसूरत किसी ने शेर लिखा है, गनीमे वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है, गनीमे वक्त के हमले का मुझको खौफ रहता है। मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। ये धरती मेरी माँ है, इसकी इज्जत मुझको जहां से प्यारी है। मैं इसका सर छुपाने के लिए चादर बनाता हूँ। आप सब की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।